और देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश के चलते करा रहे हैं। शहर के शहर इस वक्त दरिया बन गए हैं। गुजरात, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर और त्रिपुरा भी इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। और महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नासिक के 9 बांध भर गए हैं, जिससे शहर से होकर गुजरने वाली गोदावरी नदी इस वक्त उफान पर है। नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों तक शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। नदी के किनारे रामकुंड और गोदा घाट इलाके में छोटी दुकानें और स्टॉल भी शिफ्ट कर दिए गए हैं। गोदावरी नदी में आई बाढ़ के कारण रामकुंड इलाके के छोटे मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। भारी बारिश के कारण नासिक शहर को पानी की सप्लाई करने वाली गंगापुर बांध में पानी का भंडार अब 90% तक पहुंच गया है। तो नासिक की तस्वीर, जहां पर गोदावरी नदी इस वक्त ओवरफ्लो कर रही है और नदी के आसपास के जो घाट हैं वो डूबे हुए हैं, कई इसमें मंदिर डूब गए हैं। अब यूपी के सीतापुर की तस्वीर दिखाते हैं। भिनौनी सैफन गांव में शारदा नहर पूरी तरह से पट गई है। नदी का एक बड़ा हिस्सा नदी से हट गया है और जिसके बाद नदी का ये फ्लो गांव की तरफ मुड़ गया है। शारदा नहर के फट जाने की वजह से पूरे इलाके में बड़ी तबाही आई है। हजारों हेक्टेयर फसल डूब गई है। इलाके के करीब 50 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो ड्रोन से ली हुई तस्वीर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी के बांध के टूट जाने से, तटबंध के टूट जाने से एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त पानी में डूब गया है। 50 गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। गुजरात से मणिपुर तक आसमानी आफत, भारी बारिश और बाढ़ से मचा हाहाकार। देश भर में इस वक्त मानसून अपने चरम पर है। कई राज्यों में आसमानी आफत ने ऐसा कहर ढाया है कि इंसानी जिंदगी कराह उठी है। कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। मौसम विभाग की नई चेतावनी ने कई राज्यों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अगले 4 से 5 दिनों में दिल्ली NCR, यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। यूपी में मानसून अभी भी एक्टिव है। सीतापुर के बिभैनी साइफन गांव में शारदा नहर पूरी तरह से फट गई। नदी का एक बड़ा हिस्सा नदी से हट गया, जिसके बाद नदी का फ्लो गांव की तरफ मुड़ गया है। शारदा नहर के फट जाने की वजह से पूरे इलाके में बड़ी तबाही आई है। इस तबाही में पेड़ उखड़ गए और आसपास की खेती तबाह हो गई। हजारों हेक्टेयर की फसल डूब गई है। गांव में पानी तेजी से घुस रहा है। बहुत तेजी से पानी बहने से हजारों की आबादी दहशत में है। घरों में 2 फीट तक पानी भरने से रहने के साथ साथ खाना बनाने की समस्या भी पैदा हो गई है। अंगरोरा में सड़क के ऊपर 4 फीट तक पानी बह रहा है। इलाके में करीब 50 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। वहीं गोरखपुर में राप्ती और सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बरहज के इलाके में नदी 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से 45 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। हालात ऐसे हैं कि लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि राप्ती नदी का जलस्तर 1-2 दिन में नीचे आने की उम्मीद है। वहीं सरयू का कहर अभी गोरखपुर के लोगों को डराता रहेगा। जनपद गोरखपुर में जो राप्ती नदी है और सरयू नदी जो है, ये अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। लेकिन एक गुड साइन ये है कि राप्ती नदी का आज मतलब डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया है, तो जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले 2-3 दिनों में राप्ती नदी जो है अपने वो डेंजर लेवल के नीचे आ जाएगी। लेकिन सरयू नदी जो है वो इस समय चूँकि पानी बहुत धीरे धीरे आगे निकल पा रहा है, तो जिसके कारण अभी जो हमारा बरहज का जो स्टेशन है जहाँ पर राप्ती और सरयू का संगम होता है, उस क्षेत्र पर अभी
तकरीबन नदी जो है वो अपने डेंजर लेवल से 1.5 मीटर ऊपर है। तो इस वजह से जनपद गोरखपुर की जो लगभग 45 ग्राम जो हैं पूर्ण व आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। अब ये है कि अगले अगर कुछ दिनों में अगर अपर कैचमेंट एरिया से पानी नहीं आता है तो धीरे धीरे ये भी पानी रिसीड करने लगेगा, तो अगले 2-4 दिनों में वाटर जो है जो नदियाँ हैं अपने मेन कोर्स में आ जाएंगी। लेकिन अभी सरयू जी के घटने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इस वजह से देखा जाए तो अभी बाढ़ की स्थिति थोड़ी अभी गोरखपुर में अगले 3-4 दिनों तक बनी रहेगी। वहीं राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में आज भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। कई गाँव में पानी भर रहा है जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं। बारिश अगर ऐसा लगातार चलती रही तो बराबर थोड़ा सा ऐसा रहेगा पानी का, बारिश कम होते ही आधे घंटे घंटे पर में ये सारी निकासी निकल जाएगी पानी की। करीब बाहर की तरफ निकासी इसमें ज्यादा है, जो बाहर की तरफ थोड़ी निकासी कम है तो वो आराम से निकल जाएगा। इसीलिए प्रशासन घूम रहा है, अगर ऐसा कोई जनहानि हो तो तुरंत ही रैपिडली एक्शन लिया जाएगा उसका। वहीं अजमेर में भारी बारिश के बाद फाय सागर झील, आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई है। फाय सागर झील में क्षमता 26.9 फीट की है। बारिश की वजह से 6 इंच पानी बढ़ गया है। महाराष्ट्र में नासिक में भी भारी बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नासिक में 9 बांध भर गए हैं, जिससे शहर से होकर बहने वाली गोदावरी नदी उफान पर है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में झमाझम बारिश देखी जा रही है। गरज चमक के साथ हो रही जोरदार बारिश ने इस बार डैमों को लबालब भर दिया है। भारी बारिश के चलते इस सीजन में केरवा, भदभदा, कलियासोर और कोलार बांध के कई बार गेट खुलने पड़े। भारी बारिश का कहर मध्य भारत ही नहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में भी दिख रहा है। मणिपुर में भारी बारिश और नदियों के ओवरफ्लो होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में 2-3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 हफ्ते तक इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है।